मैंने अपने 2.5 किलो के हाथ से चटनी बना दी है। देखा मेरा कमाल, क्या चटनी बनाई है मैंने। तो क्योंकि क्या ना आजकल ऑगी एंड द कॉकरोचेस दिख रहा, तो उसको देख देख के भैया मुझे भी याद आ जाता है कि मिमिक्री कैसे करनी है। मम्मी डैडी भी गर्मी से परेशान हो के फाइनली निकल लिए पालमपुर के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। एंड कियान को आज से पड़ गई हैं छुट्टियां, और छुट्टियों में हम जा रहे हैं कहीं भी नहीं क्योंकि पैसे है ही नहीं। वो गाड़ी से जाने तो गाड़ी में जाने के भी पैसे लगते हैं। कहाँ जाना है वैसे तुमने छुट्टियों में? मुझे दिल्ली जाना। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे भी तो बहुत गर्मी है। तो देखते हैं, अभी तो क्यान को तो छुट्टियां, इसको देख देख के मुझे जलन हो रही है पेट में। आज तो सोडा पीना पड़ेगा क्योंकि हमारे भी वो दिन हुआ करते थे जहाँ हमें भी छुट्टियां पड़ती थी। अब तो वही सैटरडे संडे और या कभी कोई छुट्टी पड़ती है। क्यान थोड़ी सी छुट्टी दे दो मेरे को भी, ऐसे हाथ में। सो IPL हो चुका है ख़त्म। सो खाली खाली एरिया हो रखा है। अब नेक्स्ट ईयर फिर से रौनक लगेगी यहाँ पे। मे बी उससे पहले भी लग सकती है क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस तो हो सकते हैं, पर अभी कोई पता नहीं कौन सा मैच शेड्यूल होगा। अभी तो फिलहाल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जो होना है अमेरिका में। तो PCA का ये स्टेडियम ऑलमोस्ट रोड तो रेडी है। लास्ट टाइम से थोड़ा फ़र्क दिख तो रहा है बाहर, एक्चुअली जो मेन रोड है, क्योंकि स्टेडियम में सिर्फ एक ही मुझे जो प्रॉब्लम लगी थी वो है पार्किंग। मे बी नेक्स्ट टाइम तक इनको जब भी ये मैच होस्ट करते इनको पार्किंग अपने सेट कर लेनी चाहिए। बाकी तो ओवरऑल स्टेडियम सही है, लोकेशन भी अच्छी है, ईजीली एक्सेसिबल। सो क्यान को और मुझको बहुत लग रही थी गर्मी, सो मैंने अपने लिए ली है रबड़ी मलाई कुल्फी, और क्यान के लिए ली है आइसक्रीम, वो भी मैंगो की। मैंगो की, तो क्यान को मैंगो पसंद। सचमुच आम। सो क्यान को मैंगो बहुत पसंद है। फिलहाल तो हम मैंगो खा नहीं रहे, तो चलो मैंगो वाली आइसक्रीम खा लेते हैं। सो क्या चेयर्स, मेरी वो है, चल ये ले, इससे पहले पिघल जाए, ये ले। हाँ खाओ। Later. सो घर की हमने ऑलमोस्ट कड़ी से कड़ी जोड़ दी है, तो इसलिए आज हमने बनाई है घर में कड़ी। एंड कभी कभी आपको खाने के साथ या तो अचार अच्छा लगता है या तो चटनी। हम बना रहे हैं आम पुदीना और धनिया की चटनी विद गुड़। विद गुड़, बिकॉज़ आई एम सो गुड, यू नो, है ना पूजा, इसलिए ना। चलो पीसिंग चटनी, पीसिंग मुझे नमक रखो, हल्का नहीं भारी सा रखो, जैसे मेरी बात भारी। नमक को टाटा का टाटा नमक। तो ये है कि कभी कभी गर्मियों में आपको दोपहर के खाने में, मुझे दोपहर को खाने में चावल बहुत पसंद है, एंड अगर उसके साथ अचार और चटनी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। थोड़ा सा पानी मस्जी। वो चटनी बनने लगी, हमारी मिक्सी बहुत पुरानी हो चुकी है इसलिए इसके रंग उड़ चुके हैं। हमारी शादी के टाइम की ना, बताइए चलती तो नहीं है, रहती तो यहीं पे पूछा जमीन पे, चलती नहीं है ये। क्या है इतनी बड़ी होगी उसका ये नहीं पता, क्या गुंडी बनेगी। मैंने अपने 2.5 किलो के हाथ से चटनी बना दी है। देखा मेरा कमाल, क्या चटनी बनाई है मैंने। तो क्योंकि क्या ना आजकल ऑगी एंड द कॉकरोचेस दिख रहा, तो उसको देख देख के भैया मुझे भी याद आ जाता है कि मिमिक्री कैसे करनी है। बहुत मारा डाक चुके। तो क्योंकि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो काफ़ी पुरानी डेकोरेशन है एंड कुछ नई डेकोरेशन भी है, मोस्ट ऑफ देम इज़ ओल्ड। तो उसी डेकोरेशन से रिलेटेड मैंने सोचा आप लोगों से एक बात शेयर करूँ। सो वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कोई भी रिलीजन है, चाहे वो अपना रिलीजन तो हम तो रिस्पेक्ट करते ही करते हैं, पर जो दूसरा रिलीजन भी होता है उसको रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो ऊपर वाला है वो एक है, वो कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है, भगवान एक है,
तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम दूसरों के रिलीजन को भी बहुत ही सीरियसली लें और अच्छे से उनको रिस्पेक्ट या ट्रीट करें। सो क्योंकि मैं घर की डेकोरेशन की बात कर रहा था, तो आपने मोस्टली जब डेकोरेटिव आइटम्स की बात करते हो तो आपने उनमें देखा होगा बुद्धा जी, जो ऑलमोस्ट हर घर में पाए जाते हैं। सो सेम इज़ द केस विद मी एंड माई होम। मैं आपको बताता हूँ मेरे घर में कितने बुद्धा जी हैं। सो सबसे पहले ये एक हमने उनका ये मॉन्यूमेंट रखा है, फिर एक यहाँ पे ये रखे हैं, ये वाले फ़िलहाल मैंने अभी नीचे रखे हैं, सो डोंट माइंड। ये अभी हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मैंने इसको चलाने के लिए रखा था, वैसे इनके लिए भी मैं कुछ ऊपर रखने के लिए लूँगा अभी। वह फ़िलहाल मैंने बस ये लैम्प चलाना था तो उस पर्पस के लिए लिया था ये वाटर वाला। सो अभी तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने इसको चलाया, बट ये है कि मैं अभी इसको पैक करके फिर रख दूँगा, बट ये है कि इसको भी ऊपर रखना चाहिए। एंड देन आते हैं ये चौथा। हम सो मेरा मेन मकसद ये था कहने का कि हम एज अ डेकोरेशन इनको अपने घर में रखते हैं। सो ये सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है, इनका एक अलग महत्व भी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर आप इनको प्लेस करते हैं तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको प्लेस करें। एंड क्योंकि बुद्धा जी जो है वो पीस के लिए जाने जाते हैं, सो आप उसको घर में ही लाते हैं तो एक कामनेस और एक वो पीसफुल जो इन्वायरमेंट होता है उसको बनाए रखने के लिए लेके आते हैं। सो आप मेक श्योर करें कि आप जब ये सब उनकी मूर्तियाँ या जो भी ये फाउंटेन ऐसा कुछ लेके आते हैं, सो प्लेस इट वेरी केयरफुली एंड मेंटेन दैट डेकोरम। ओके, सो ये बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एंड फिलहाल के लिए हमारी जो भी सेटिंग हुई है वो मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत है और मैं बिना पंखे के खड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मोस्टली मुझे पंखा ऑफ करना पड़ता ताकि वो वॉइस में डिस्टर्बेंस ना आए। सो देखो कितनी मेहनत करता हूँ मैं व्लॉग बनाने के लिए, देखो पसीना पसीना हो रखा हूँ। पर लाइक कमेंट अगर कर दोगे तो वो खून पसीने की मेहनत रंग लाएगी। सो अगेन थैंक यू सो मच। कल वोटिंग है, वोट देने ज़रूर जाएँ, मतलब जब मैं ये ब्लॉग डालूंगा उस दिन वोटिंग डे है। सो प्लीज़ यूज़ योर वोटिंग वाइजली। एंड फिलहाल टेक केयर, बाय। Thank you.